हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त नफीस अहमद। दोस्तों, आज हम बात करने की कोशिश करेंगे कि जन्म घुटी ये किन बच्चों को देना चाहिए, किन बच्चों को नहीं देना चाहिए, कौन बच्चा खा सकता है, नहीं खा सकता है, किस उम्र में देना है, किस स्टेज में देना है। ये सारी जानकारियाँ आज हम आपको आज के इस वीडियो में देने की कोशिश करेंगे। दोस्तों देखिए, जन्म घुटी ये डाबर का बनाया हुआ आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है और इंडिया में बहुत ही ज़्यादा चलने वाला प्रोडक्ट है ये। अगर हम इसकी एमआरपी की बात करें तो ये आपको ये दो फाइल में आता है। अगर बड़ा फाइल की बात करें तो इसकी एमआरपी हो जाएगी आपको 44 रुपीज़। एंड अगर स्मॉल पैक की बात करें, स्मॉल पीसेज की बात करें, तो उसका एमआरपी आ जाएगा तकरीबन 27 से 30 रुपीज़ तक। तो ये आयुर्वेदिक मेडिसिन है, डाबर का बनाया हुआ। ज़्यादातर प्रोडक्ट आयुर्वेदिक ही होता है और ये सेफ़ होता है, आपको बच्चे को रिएक्शन नहीं करता है कभी भी। कहना ये है कि हम इसको जो यूज़ करेंगे तो इसको यूज़ क्यों करेंगे, आखिर बच्चे को क्या परेशानी होती है जिसके कारण हम इसको यूज़ करेंगे, या इसको यूज़ करने से बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं हमको, या इसके लॉसेस क्या हो सकते हैं। देखिए, कोई भी बच्चा, कोई भी शिशु जब पैदा होने के बाद 15 दिन के बाद या हफ्ता दिन के बाद या उसी दिन अगर बच्चा खूब रो रहा है, बिलख रहा है, तो उसकी माँ और बाप दोनों परेशान हो जाते हैं। मतलब वालदैन बहुत ही परेशान हो जाते हैं कि आखिर मेरे बच्चे को हुआ क्या है। डॉक्टर कितना भी पैसा ले ले, जितना लेना है वो पैसा ले सकता है, लेकिन मेरे बच्चे का इलाज होना चाहिए, मेरा बच्चा ठीक होना चाहिए। मेरा बच्चा कैसे ठीक होगा, कहाँ ठीक होगा, जितना पैसा लगेगा हम लगाएंगे, लेकिन मेरा बच्चा ठीक होना चाहिए। एक हफ्ते का बच्चा या 15 दिन का बच्चा आपको कभी भी ये बता नहीं सकता है कि मुझे तकलीफ़ क्या हो रही है, मेरे पेट में दर्द है, या मेरे सिर में दर्द है, या मेरे कान में तकलीफ़ है, या मेरे दांतों में तकलीफ़ है, या मुझे टॉन्सिल का कोई प्रॉब्लम हो रहा है, या मुझे पाखाना या पेशाब में कोई दिक्कत हो रहा है। बच्चा कुछ भी आपसे बता नहीं सकता, ना ही वो कुछ आपको इशारा कर सकता है कि मेरे इस पोजीशन पे तकलीफ़ हो रही है। तो इस सूरत में सिर्फ आपको अनुमान लगाना है कि आखिर क्या हो सकता है, बच्चा इतना बिलख रहा है तो मतलब क्या तकलीफ़ हो सकती है इनको। तो इस उम्र में जो ज़्यादातर देखा जाता है तो बच्चे की जो तकलीफ़ होती है वो पेट की समस्याओं का ही तकलीफ़ होता है, पेट को ही लेकर के कुछ ना कुछ उसके मन में, या तो पेट फांप जाता है, या चिड़चिड़ापन हो जाता है, या उसका पाखाना क्लियर नहीं होता है, या फिर बार बार दस्त करता है, बदहजमी सा हो जाता है, एंड उसका पेट बिल्कुल चढ़ जाता है, बच्चा बार बार हाथ पैर मारता है, बच्चा रात रात भर सोता नहीं, बच्चा रात रात भर चिल्लाते रहता है। तो इन्हीं परेशानियों को दूर करने के लिए ये डाबर का जन्म घुटी खिलाया जाता है। दोस्तों देखिए, एक्चुअली इसका काम क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। इसका काम यह है कि अगर बच्चा आपका ढंग से पाखाना नहीं करता है, 2 दिन 3 दिन 4 दिन तक पाखाना नहीं करता है, या फिर बार बार पाखाना करता है और बदहजमी सा पाखाना करता है, या उसका पेट चढ़ा हुआ रहता है, या उसको खट्टी डिकारें आती है, उल्टी आती हो, बार बार उल्टी करता है, या बच्चा रात रात भर नहीं सोता है, तो उसी उन्हीं समस्याओं को हल करने के लिए डाबर जन्म घुटी लाया जाता है। देखिए, एक्चुअली होता क्या है, बच्चा पहली बार माँ का दूध लेता है या पैकेट का दूध लेता है तो उसको उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो क्लियर नहीं हो पाता, वो उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। आप डाबर का जन्म घुटी देते हैं तो उनका जो हाजमा है, उनका जो डाइजेस्ट है, उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये उनको ठीक करता है और उनको बिल्कुल बराबर रखता है। तो उनको, उनके डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करने के लिए ही ये डाबर का जन्म घुटी खिलाया जाता है। दोस्तों तो डाबर जन्म घुटी जो है ये आपके बच्चे के पेट का जितना समस्या है, जितना भी परेशानी है, जितनी भी तकलीफ़ है उनको पेट को लेकर के, सारी परेशानियों को ये डाबर जन्म घुटी दूर करता है, इसीलिए डाबर जन्म घुटी उस बच्चे को दिया जाता है। दोस्तों तो एक्चुअली बात ये हुआ कि बच्चा अगर आपका नहीं सोता है, बच्चा रात रात भर नहीं सोता है, बच्चा उल्टी करता है, या बच्चा आपका पोटी नहीं करता है, या बच्चा बार बार पोटी करता है, उसको बदहजमी होता है, तो इन्हीं चीज़ों के लिए डाबर का जन्म घुटी यूज़ किया जाता है। देखिए, बच्चे की उम्र जूँ ही आपको तकरीबन 15 दिन हो जाए तो आप इस डाबर जन्म घुटी को इस्तेमाल करना स्टार्ट
कर सकते हैं। बेहतर है एक महीने से स्टार्ट कीजिए तो मुनासिब है। देखिए यहाँ पे लिख दिया गया है, इनका जो डोज है सही डोज है वो लिख दिया गया है कि बच्चे की उम्र अगर 1 से 3 माह होता है तो आपको 1 ml देना है, 1 ml। सिम के दुकानों में जो एक पाइप होता है वो आपको मांग लेना है उनसे, और उस पाइप से 20 बूंद देना है बच्चे को, दिन में 2 या 3 मरतबा देना है आपको। एंड अगर आपके बच्चे की उम्र 4 से 6 महीना होता है तो आपको 2.5 ml देना है। 2.5 ml का मतलब ये है कि जिसको हम लोग टी स्पॉन्स बोलते हैं, उस चमचे का आधा चम्मच देना है दिन में 3 मरतबा। अब अगर उससे बढ़कर आपका बच्चा 7वें महीने पे पहुंच गया है, वाला चमचा का फुल चम्मच दे देना है आपको। मतलब 1 चम्मच में 5 ml दवाई होती है, तो 1 चम्मच जब आप देते हैं तो 5 ml का डोज बन गया बच्चे के लिए, दिन में 3 मरतबा आपको खिला देना है। अब अगर 7 महीना भी पार कर रहा है, 7 महीना से 1 साल तक आपको 5 ml बाद सारे 5 ml ही दे सकते हैं, उससे ज़्यादा आप नहीं दीजिए। और 1 साल के बाद इस चीज़ को खिलाना मुनासिब नहीं है। बाकी आप खिला ही सकते हैं, अगर आपको लग रहा है कि खिला देना अच्छा है तो आप खिला सकते हैं, लेकिन खिलाने का जो डोज होगा तो 1 साल के बाद का जो डोज है वो आपको तजर्बा के मुताबिक या फिर डॉक्टर से मशवरा कर लेना है कि मैं जन्म बूटी खिलाना चाह रहा हूँ, इनका सही डोज क्या है, उस हिसाब से आप इसको खिला दीजिए दोस्तों। तो आई होप के जन्म घुटी के बारे में जो कुछ मुझे आपको समझाना था आपको समझ में आ गया होगा। फिलहाल के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, बाय।